मिसाइल है, अब्दुल कलाम है, इनके बारे में शॉर्ट हमने इंफॉर्मेशन तो अभी ले ली। अब हम क्या करेंगे, उनके जीवन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने कौन सी मिसाइल बनाई, ये सारे हम अभी क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। तो तैयार हो जाओ, पाठ क्रमांक तीसरा की तीसरे के लिए, पाठ क्रमांक तीसरा है भारत रत्न अब्दुल कलाम। ध्यान दो इधर, मैं आपको अब्दुल कलाम के जीवन के मतलब उनका जो जीवन है उनके बारे में जानकारी बता रहा हूं। बेटा आपको लिस्ट, ये जो अब्दुल कलाम है ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था, मैंने पहले ही आपको बताया था। और तमिलनाडु के रामेश्वरम ये जो जिला है, कौन सा जिला है, रामेश्वरम ये जो जिला है, इस जिले में उनका जन्म हुआ था। और कौन से दिन को हुआ था, कौन सा साल को हुआ था, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1941 को उनका जन्म हुआ था। ये जो अब्दुल कलाम है इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम आशियम्मा था। उनके पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन, और माता का नाम क्या था, आशियम्मा था। आगे देखो, उनकी जो माता जी थी वो बहुत धर्मपरायण थी और दयालु थी। धर्मपरायण मतलब, धर्मपरायण मतलब बेटा जो भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, बराबर ना, जो अपने धर्म को मानते हैं और भगवान की बहुत सारी पूजा वगैरह करते हैं, उन्हें कहते हैं धर्मपरायण। तो वो भी धर्मपरायण थी और बहुत ही दयालु थी। दयालु मतलब, यस, दयालु मतलब बहुत ही वो कैसी थी, काइंड वुमेन थी, दयालु महिला थी। लेकिन ये जो अब्दुल कलाम है, ये जो बड़े साइंटिस्ट है अभी, सॉरी पहले थे, अभी वो गुजर गए बेटा। तो ये जो अब्दुल कलाम है इनका जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। संघर्षपूर्ण मतलब बेटा उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की। उनका जीवन आरामदायी सुखदायी नहीं था, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ी थी। देखो उन्हें उन्होंने कैसे कैसे मेहनत की, वो रोज सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने पढ़ने जाते थे। कितने बजे उठते थे वो, 4 बजे, और कब, रोज। हम एक दिन उठे तो हमारा, हम दोपहर में सो जाते हैं, राइट ना। लेकिन वो देखो अब्दुल कलाम रोज सुबह 4 बजे उठकर कहाँ जाते थे, गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे, मतलब मैथ्स पढ़ने को जाते थे। और वहां से लौटकर 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन में, सॉरी रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर घरों में बांटते थे, या ऐसे रास्ते में घूमकर क्या करते थे, वो अखबार बेचते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, उनका जो जीवन था बेटा बहुत ही संघर्षपूर्ण था, बहुत उनने कष्ट किया था, मेहनत की थी। उनका जो शुरुआती का जो जीवन था वो बहुत ही कठिन था बेटा। रोज सुबह 4 बजे उठना उठना और मैथ्स के मतलब गणित के ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना, वहां से आकर वो कहाँ जाते थे, 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाते थे अखबार लाने, और अखबार वो क्या करते थे, घर में डालते थे या बेचते थे। यहाँ वहां घूम घूम कर अखबार क्या करते थे, वो बेचते थे। अखबार बेचकर 8 बजे वो वापस घर आ जाते थे, तैयारी कर कर विद्यालय जाते, विद्यालय मतलब बेटा स्कूल चले जाते। उनकी प्रतिभा देखकर, उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उनके प्रिय अध्यापक सुब्रमण्यम द्वारा पढ़ाया गया पक्षी, ये जो पाठ है उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया। देखो ये जो अब्दुल कलाम थे इनका
ये अखबार बेचकर कितने बजे आते थे? 8 बजे घर पर आते थे, मतलब सुबह से 4 बजे से घर से बाहर निकलते थे और 8 बजे घर पर आते थे अखबार बेचकर। और तैयारी कर कर किधर जाते थे बेटा? विद्यालय जाते थे, स्कूल चले जाते थे। वो इतने होशियार थे कि बहुत सारे जो टीचर्स है, अध्यापक है, वो उनसे प्रभावित हुए थे। मतलब वो जो टीचर थे उनका ध्यान अब्दुल कलाम के ऊपर था कि देखो कितना होशियार बच्चा है। उनके मतलब अब्दुल कलाम के एक प्रिय शिक्षक थे सुब्रमण्यम, इन्होंने अब्दुल कलाम को एक बार पक्षी नाम का पाठ पढ़ाया था। कौन सा पाठ पढ़ाया था? पक्षी नाम का एक पाठ पढ़ाया था। और उसी पाठ से अब्दुल कलाम जी ने प्रेरणा ली। प्रेरणा ली मतलब उन्हें हौसला मिला कि अरे उनको मोटिवेशन मिला बेटा। प्रेरणा मिली मतलब उनको मोटिवेशन मिला कि हाँ हमें भी अभी क्या करना चाहिए, बहुत पढ़कर बड़ा आदमी बनना चाहिए। ऐसी उन्हें प्रेरणा मिली वहां से पक्षी पाठ से। ये जो अब्दुल कलाम है, इन्हें अपने पिता के साथ नमाज पढ़ना तथा नाव खेना अच्छा लगता था। क्या करते थे बेटा? वो अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे और नाव खेलते थे। आगे, जैसे कि पहले मैंने बताया, वो रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। लेकिन रामेश्वरम में जो पढ़ाई थी बेटा, वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक ही थी, मतलब सातवीं तक ही थी। उन्हें क्या करना था? दसवीं की परीक्षा देनी थी। दसवीं की परीक्षा मतलब बेटा मैट्रिक की परीक्षा, याद रखो। यहाँ पर एक शब्द आया है मैट्रिक। मैट्रिक की परीक्षा मतलब 10th स्टैंडर्ड। दसवीं की परीक्षा उन्हें देनी थी। फिर दसवीं की एग्जाम देने के लिए, मतलब सातवीं के आगे आठवीं नौवीं और दसवीं की पढ़ाई करने के लिए वो रामनाथपुरम गए थे। कौन से गांव गए थे? रामनाथपुरम गए थे। और वहां पर उन्होंने स्वार्ट्स विद्यालय में अपना एडमिशन किया। कौन से विद्यालय में? स्वार्ट्स विद्यालय में एडमिशन किया और दसवीं की मतलब मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की। अभी दसवीं होगी, अभी कॉलेज। फिर सन 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। मैट्रिक की परीक्षा पास हो गई ना, मैट्रिक मतलब दसवीं, वो पास हो गए। कौन से कॉलेज से? स्वार्ट्स विद्यालय से। अभी कॉलेज करता था उनको, इसलिए सन 1950 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। और ये कॉलेज कहां पर है? तिरुचिरापल्ली पे। वहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान तथा गणित का विषय लेकर बीएससी की डिग्री प्राप्त की। मतलब वो क्या हो बन गया बेटा? बीएससी की डिग्री उन्होंने प्राप्त कर ली, मतलब बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। और कौन सा विषय था उनका? भौतिक विज्ञान और गणित। भौतिक विज्ञान मतलब बेटा फिजिक्स, और गणित ये विषय लेकर उन्होंने अपनी जो कॉलेज की जो पढ़ाई है वो पूरी की। आगे जाकर ये जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने MIT की इंजीनियरिंग परीक्षा दी और उनमें पास हो गए। उन्होंने एक मिनट, ये जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने बाद में मतलब 12वीं हो गई, बराबर 12वीं पास हो गए। बाद में उन्होंने बीएससी की, बराबर उन्होंने बीएससी की। और बीएससी होने के बाद कलाम जी ने एमआईटी की
इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और उसमें मतलब वो प्रवेश परीक्षा में वो पास हो गए। आगे देखो, लेकिन परीक्षा तो पास कर ली उन्होंने, इंजीनियरिंग की परीक्षा तो उन्होंने पास कर ली, पास हो गया बेटा वो, लेकिन एडमिशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो शुरुआत के दिनों में बेटा उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, बहुत गरीब थे बेटा वो, होशियार थे लेकिन पैसा नहीं था। फिर उनकी बहन जोहरा ने अपने आभूषण बेचकर उनकी सहायता की। देखो ये जो अब्दुल कलाम है, पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, फिर उनकी जो बहन है जोहरा, उसने क्या किया बेटा, अपने जो आभूषण निकाले और बेच दिए। आभूषण मतलब सोना वगैरह रहता है, पता है ना, कंगन रहते हैं, नाक का रहता है, मंगलसूत्र वगैरह रहता है, बरबर ना, बाली वगैरह, ये सारे आभूषण उन्होंने बेच दिए और अब्दुल कलाम को पैसे दे दिए। किस लिए? पढ़ाई के लिए। उनका मैं फोटो दिखाऊंगा आपको बाद में। देखो, जब MIT से कलाम एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग बनकर निकले, तब उनकी सहायक इंजीनियर के रूप में, ध्यान दो, तब उनकी सहायक इंजीनियर के रूप में सरकारी पद पर नियुक्ति हो गई। मतलब बेटा देखो, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गए, बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बाद सरकारी पद उनको एक मिल गया, मतलब सहायक इंजीनियर के रूप में, सहायक इंजीनियर के रूप में वो काम करने लगे। किसके लिए काम कर रहे थे? वो सरकार के लिए काम कर रहे थे। और कहां पर काम कर रहे थे? आगे देखो, आगे दिया रही, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रक्षेपास्त्रों के विकास का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। देखो, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, ये भी बेटा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ये भी एक बड़े, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम से बहुत ही प्रभावित हुए। प्रभावित हुए मतलब उनको लगा, अरे ये कलाम भी बहुत, मतलब बहुत होशियार है, समझ में आ रहा है, उनसे वो अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ। और उन्हें जो प्रक्षेपास्त्र है, मतलब जो मिसाइल है, मिसाइल बनाने का काम, उसका उनको डेवलप करने का जो काम है, उन्हें सौंप दिया। मतलब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अब्दुल कलाम को बताया कि आप क्या करो, ये जो मिसाइल है, मतलब प्रक्षेपास्त्र है, उनको आप क्या करो, बनाओ और उनका आप विकास करो। बाद में देखो, हैदराबाद के DRDL में, कहा, हैदराबाद के DRDL में उन्होंने कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर के साथ काम किया। उनके अथक परिश्रम के कारण ही देश की सुरक्षा के लिए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइलों का निर्माण संभव हो पाया। देखो बेटा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने खुद तो मेहनत की और उनके साथ दूसरे भी वैज्ञानिक थे और इंजीनियर थे, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस, ये सारी मिसाइल उन्होंने बनाई और देश की सुरक्षा में उन्होंने हाथ भार लगाया। आपको मैं चित्र दिखाता हूं, देखो देखो बेटा, ये छोटे से है ना, ये अब्दुल कलाम है बेटा, ये अब्दुल कलाम है, ये अब्दुल कलाम की माताजी है, ये अब्दुल कलाम के पिताजी हैं, और एक मैंने आपको एक लाइन बताई थी, देखो,
अब्दुल कलाम जी के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो ये उनकी बहन है बेटा जिन्होंने क्या किया था, उनके उनके जो भी सोना चांदी उनके पास जो भी है वो उन्होंने क्या किया था, बेचकर अब्दुल कलाम जी को पैसे दिए थे। आगे देखो, और ये मिसाइल्स उन्होंने क्या किए थे बेटा, बनाने में मदद की थी। ये अग्नि मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको पता रहनी चाहिए, पूरे विश्व में ब्रह्मोस मिसाइल क्या है बेटा, फेमस है। तो आगे देखो, तो ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स उन्होंने बनाने में मदद की और देश के सुरक्षा में हाथ बार लगाए। उसके आगे देखो बेटा, इतना अच्छा अच्छा काम उन्होंने किया तो उनको पारितोषिक तो मिलना चाहिए ना। यस, देखो फिर अब्दुल कलाम जी को बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए, मेडल्स उन्हें मिले, राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें सन 97 में, एक मिनट बेटा सपने देखो, मतलब ऐसे नहीं कि कौन से भी सपना देखना है, बड़ा आदमी बनने की सपने देखो और वो सपना आप पूरा करो, ऐसा संदेश, ऐसे संदेश वो छोटे बच्चों को देते थे। 27 जुलाई 2015 को, कभी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने से, मतलब हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम भारत इतिहास के ऐसे महापुरुष हुए जिनसे लाखों लोग प्रेरणा लेते रहेंगे और आज भी लेते हैं, बराबर ना। यस, और ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर ये जो भारत देश है, मतलब ये भारत देश की जो जनता है, उनको हमेशा क्या रहेगा, गर्व रहेगा।